अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं रेसिपी लाई हूँ चिंगड़ी दो प्याज़ा। उसके लिए कुछ चीज़ें हैं वो मैं दिखा रही हूँ। 300 ग्राम चिंगड़ी है। इसे अच्छे से साफ़ कर अच्छे से धो लिए हैं। और ये 500 ग्राम प्याज है। 100 ग्राम तेल है। एक बड़े प्याज इस साइड इस तरीक़ा से कट कर लिए है। वो जब मैं बनाऊंगी तब बताऊंगी ये क्या करना है। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच मिर्चा पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, थोड़ी सी हरी धनिया, 2 हरी मिर्च, 2 इलायची, 2 लौंग, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। बस इतनी ही चीज़ लगती है, लेकिन इसका टेस्ट, इसका जायका बहुत अच्छी आती है, बहुत टेस्टी बनती है। इस चिंगड़ी को पहले मुझे मैरिनेट करना है नमक और सिर्फ हल्दी देकर। इसमें नमक देकर, हल्दी देकर इसे अच्छे से मैरिनेट कर लेना है। कढ़ाई चढ़ा दिए हैं। अब इसमें ये तेल डाल देना है। ये तेल अच्छी तरीका से गर्म हो गया। अब इसमें चिंगड़ी डाल देना है। ये चिंगड़ी अच्छी तरीका से फ्राई हो जाएगी। फ्राई होने के बाद इसे निकाल लेना है। चिंगड़ी अच्छे से फ्राई हो गया है। अभी सब चिंगड़ी निकाल लेना है। निकालकर इसी तेल में ये डाल देना है, लौंग, इलायची, दालचीनी। इसी तेल में प्याज डाल देना है। प्याज डालकर इसे अच्छी तरीके से फ्राई करना है। ज़्यादा नहीं फ्राई करना है, बस थोड़ी सी फ्राई करना है। अभी भी बस प्याज हमें इतना ही फ्राई करना है, इससे ज़्यादा और नहीं करना है। अब इसमें अदरक लहसुन के पेस्ट डालना है। ये अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर 2 हाथ अच्छी तरीके से इसे चलाना है। ये अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर अब इसमें पाउडर डालना है। अब इसमें नमक डाल देना है। इसमें सब चीज़ देकर अब 1/2 गिलास पानी देकर इसे ढक ढक कर इस मसाले को इसी तरीके से पकाना है। ये देखिए 10 मिनट से इसी तरीके से मैं भून रही हूँ। अब इसमें दही डाल देना है। इसमें दही डालकर इसी तरीका से 2-3 मिनट इसे इसी तरीका से चलाना है। दही भी डालकर 2-3 हाथ जब चला दिए, इसे इसी तरीका से ढक ढक कर कम से कम 5 मिनट इसे पकाना है। 10 मिनट से इसी तरीका से मैं इसे भून रही हूँ। ये अच्छी तरीका से ये भुनाई हो गई है। अब इसमें भून कर अच्छी तरीका से इसमें चिंगड़ी डाल देना है। चिंगड़ी डालकर इसे अच्छी तरीका से 5 मिनट से मैं भून रही हूँ। ये अच्छी तरीका से भुनाई हो गई है। ये भुनाई होने के बाद ये प्याज जो रखा था ये प्याज डाल देना है। ये प्याज डालकर इसे 2 हाथ चलाकर इसमें फिर हरा धनिया और हरी मिर्च डाल देना है। इसमें सब कुछ डाल दिए हैं। डालने के बाद इसमें 1/2 गिलास पानी देकर इसे ढक देना है 2-3 मिनट के लिए। उसके बाद धीमे आंच पे इसे 2-3 मिनट के लिए इसी तरीका से ढककर इसे रख दिए थे। ये 2 से 3 मिनट बाद खोलकर देख रही हूँ। अब ये बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसे बनाइएगा, बनाकर खाइएगा, खाकर इसे हमें ज़रूर बताइएगा कि ये कैसी बनी। आपको अगर ये रेसिपी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।